Question number 29. The angle of elevation of a chord from a point 60 meter and above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of the depression of the shadow in the water lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. चलिए देखते हैं AP equal 60 meter then CB equal क्या होंगे तो draw PM perpendicular CB क्योंकि PM से perpendicular CB हमने खींच दिया है let CM equal to H क्योंकि CB equal H plus 60 meter C से M का दूरी H है और C और B dash C dash B का C dash B का दूरी है H plus 60 meter in triangle CPM 1030 degree equal to CM by PM 1 by root 3 equal to H by PM तो PM equal कितना हो जाएंगे root 3 H पहला equation आगे सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल PCM PCM इन ट्रायंगल PCM 10 30 डिग्री इक्वल टू CM बाय C डैश B सॉरी B B plus BM by PM C dash B B or BM divided by PM 1060 degree 1030 degree के लिए ये हो जाएंगे 1030 degree 1060 degree के लिए हो जाएंगे sorry root 3 equal H plus 60 degree 60 meter plus 60 meter divided by PM PM equal H plus 120 degree by root 3 second equation दोनों को equate कर लेते हैं from equation first and second first and second हो जाएंगे 3H equal H plus 120 meter 2H ये H इधर है 2H 120 meter H बराबर 60 meter हाइट कितना है 60 meter तो CB equal to H plus 60 meter equal to H plus 60 meter CB equal to H हमने निकाला 60 60 plus 60 meter CB equal 120 meter इसका हो जाएंगे height of the cloud from the surface of the lake is 120 meter height of the cloud surface of the lake is 120 meter question number 30 चलते हैं question number 30 side of the square is 28 side of the square is 28 यहां से पूरा यहां तक के 28 दिए हुए हैं और इसका हाफ हो जाएंगे 14 यहां से यहां तक 14 मीटर में है मीटर
चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व साइड ऑफ द स्क्वायर बराबर 28 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, साफ कर लेते हैं। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा शेडेड रीजन निकालना है, जिसमें कि हमें सिर्फ इनको माइनस करना है एक बार, ये इतना और ये इतना, क्योंकि यहाँ पे ये डबल हो जा रहा है दोनों, इतना सा पार्ट के लिए ये दोनों डबल हो जा रहा है, ये स्क्वायर में भी आ जा रहा है सर्कल में भी आ जा रहा है, इनको हमें माइनस करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले निकालते हैं, शेडेड रीजन में पहले एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल निगेटिव कर देना है एरिया ऑफ द 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए 2 क्वाड्रेंट को निगेटिव कर देना है। चलिए देखते हैं 28 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे 28 का स्क्वायर प्लस 3 by 2 into pi into 28 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 into 1 by 4 into pi into 28 by 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला पुटिंग है सिर्फ 28 का होल स्क्वायर प्लस 3 by 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू 28 by 2 का होल स्क्वायर, 28 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 by 2 इंटू 22 by 7 1 by 2 into 1 by 2 ये हो जाएंगे 28 का होल स्क्वायर 1 प्लस 33 by 28 28 का होल स्क्वायर इंटू 61 by 28 ये हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31, इन ए हॉस्पिटल यूज वाटर इन ए कैलेंडर सिलेंडर टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड द हाइट 5 मीटर, आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज टू इरीगेट ए टैंक ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर, इफ टैंक इज फिल्ड कम्प्लीटली देन वाट विल बी द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर यूज फॉर इरीगेशन द पार्क, राइट योर व्यू ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। हाइट पूछा गया है तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर डी इक्वल टू 2 मीटर पर लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2 मीटर, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा आपका डी मीटर, सिलेंडर का रेडियस 1 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 मीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच, जो कि निकल जाएंगे पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू एच 5 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 5 पाई
meter. Length of park. Meter. Breadth of park 20 meter. Height of standing h है. Height of standing h है. Volume of water park. Volume of water in park. Volume of water in park. Length into breadth into height. आगे निकालते हैं. 20 into well 25. 20 into h. ये है volume of cylindrical park. Volume of cylindrical park 5 pi. दोनों को equal करते हैं. 5 pi equal 20 into 25 into 20 into h. तो direct लिखा जाए तो h equal 5 pi divided by 25 into 20. हाइट बराबर ये हो जाएंगे पाई बाई 100. इसको हम सिंपलीफाई करेंगे 0.0314 मीटर पार्क के हाइट हो जाएंगे इतना मीटर. काफ़ी आसान है फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन सर. थैंक यू. यू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेनी मोर वीडियोस you watch next day.